हाँ जी बाबा, हाँ जी मुर्गी में ऐसा है ना, तुम्हारी बुद्धि में फिसलपट्टी लगी हुई है, जो महारथी लगती है वो लगती है, जो महारथी लगती है वो जो बुद्धि में भरा होगा तो बाहर निकलेगा। एक्ट से पता चलता है ना, देखने में आएगा, पता चलता है माने देखने में भी आता है, समझने में भी आता है, अनुभव में भी आता है। जो अंदर भरा हुआ होगा वो ही बाहर निकलेगा। बाबा भक्ति मार्ग में बताया सती अनुसुईया का तो गृहस्थ में कौन भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, तीनों देवताओं को, जो बड़े से बड़े देवताएं बनने वाले हैं उनको भी बच्चा बना दिया। पाँच सौ 700 करोड़ पत्तों का झाड़ है, वैरायटी आत्माएं हैं, तो कोई आत्मा ऐसी भी तो होगी जो सिवाय एक शिव बाबा के और किसी के प्रभाव में ना आती है। क्या चलाना है? कपड़े की सिलाई जरूर करना है। अच्छा, सबको कपड़े की सिलाई करना है? हाँ, जो भी जो धंधा करते हैं पेट के लिए, तो पेट का धंधा हाथों से करें और मनोबुद्धि से बाप को याद करें। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि लौकिक धंधों से ही पेट पूर्ति होती है। बाप तो कहते हैं मेरे धंधे में लगे रहने वाले कभी भूख मर नहीं सकते, तो ईश्वर की धंधा करेंगे तो ज्यादा बाप की याद आएगी, या सिर्फ लौकिक पेट का धंधा करेंगे तो ज्यादा याद आएगी? जो बात पूछी गई उसका जवाब दो पहले। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। एक दिन दूना रात चौगुना नशा चढ़ाता है। दत्त माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन के द्वारा, माना तीन के द्वारा दिया हुआ। तीन है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यज्ञ के आदि में ये ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाले कौन थे? जो आदि में सो तो अंत में प्रत्यक्ष होते हैं, तो कौन थे वो तीन? आदि के तीन दो माताएं और एक बाप। एक बाप, उन तीन के द्वारा गुण ग्रहण करने वाला दत्तात्रेय पैदा हुआ। कौन था दत्तात्रेय? जो गुण ही ग्रहण करता था, है अब गुण ग्रहण नहीं करता था। कौन हुआ यज्ञ में? राम बाबा। अरे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने किसी के कभी अवगुण नहीं देखे, गुण ही गुण देखे। परंतु दत्तात्रेय के चित्र में एक और चरित्र दिखाते हैं। दत्तात्रेय के चारों ओर कौन से जानवर दिखाए गए हैं? है? कुत्ता, कुत्ते दिखाए गए हैं। कुत्तों को पालता था। हाँ।
रामायण कैसे झूठ? रामायण तो थी ही झूठ, रामायण तो है ही उपन्यास। बाप कहते हैं उपन्यास और फिल्म देखने से आत्मा की सबसे जास्ती दुर्गति होती है। उपन्यास रामायण जो है, जो अभी हम पढ़ते हैं, वो तुलसीकृत रामायण कौन से युग में लिखी गई है? कलयुग में लिखी गई है, अभी 500 साल पहले। और जो शास्त्र हैं, भागवत महाभारत, ये तो 2-2.5 हजार साल पहले के लिखे हुए हैं। गीता आदि तो उस समय सत्वप्रधान युग था, या अभी सत्वप्रधान युग? तो जिस युग में जो चीज रची जाती है उसमें उतनी सात्विकता होती है। और बाबा एक वाड़ी में बोला तो हमको कोई दूसरे के शरीर में प्रवेश करके, दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं करना है, घर वापस जाना है। माना सूक्ष्म शरीर से नहीं प्रवेश करना है, या आत्मिक स्थिति धारण करके नहीं प्रवेश करना है। जैसे ब्रह्मा की आत्मा है, वो सूक्ष्म शरीर धारण करके पाठ बजाए रही है। अभी हमको कौन कौन से शरीर हैं? स्थूल शरीर है और उस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी है। तो अभी हमें पार्ट नहीं बजाना है ऐसा कि सूक्ष्म शरीर से हम कोई में प्रवेश करके पार्ट बजावे। अभी की बात है, भविष्य में जब हम आत्मिक स्टेज पकड़ लेंगे, सूक्ष्म शरीर का भान भी खत्म हो जाएगा, उस समय तो आत्मा श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ पार्ट बजा देगी। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता, ये तो बीज रूप स्टेज में रह करके काम करेगी, जो भी कार्य करेगी सच्चा काम करेगी। इतने बड़े बड़े एटम बम बनाए के रखे हुए हैं, बनाने वाले असुर हैं या देवता हैं? दुनिया का ध्वंस करने के लिए इतनी खतरनाक चीज बनाई हुई है, परंतु बनाने वालों में इतनी ताकत नहीं है उसको नष्ट कर सके या उसका उपयोग कर सके। किंतु वो जानते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो दुनिया ही स्वाहा हो जाएगी, उसमें हम भी स्वाहा हो जाएंगे। तो जो आत्मिक स्टेज वाली आत्माएं होंगी, जिनके द्वारा परमधाम इस सृष्टि पर उतर आवेगा, ऐसी संगठन की पावर होगी कि दुनियावी जो 5 तत्व हैं वो आक्रमण ही नहीं कर सकेंगे। उन आत्मा बनी हुई हुजूम के ऊपर वो जब देखेंगे कि ऐसे संसार छोटा सा हमारा तैयार हो गया, तो जो देवानियों का संसार है, जो आत्माभिमानी बन ही नहीं सकते, जन्म जन्मांतरों की उनके ऊपर कट चढ़ी हुई है, देह अभिमानियों की, उनका विनाश कराना पड़ता है। अगर वो विनाश नहीं होए तो नई दुनिया भी नहीं आ सकती, क्योंकि पतित दुनिया में सब पतित ही कहे जाते हैं और पावन दुनिया में सब पावन कहे जाते हैं, इसलिए पतितों का ध्वंस करना ही पड़े। पानी में से पार उतर गए, तो क्या? पानी ज्ञान जल का पानी था, ज्ञान का सागर था,
यह स्थूल जल था, ज्ञान का सागर था, और उस ज्ञान के सागर में से आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्माएं पार जावेंगी या देह अभिमानी पार जावेंगे। जो आत्मिक स्थिति वाले थे वो पार गए। पार गए कौन? जो पत्थर बुद्धि थे, उन पत्थर बुद्धियों को भी पानी में तैरने लायक बनाई दिया। दो बंदर दिखाते हैं कि उनके हाथ से वो पत्थर तैराए जाते थे और वो तैरने लगते थे। नहीं तो पत्थर डूबेगा या तैरेगा? पत्थर बुद्धि होंगे तो विकारों की दुनिया में डूब जाएंगे। पत्थर से अगर पारस बुद्धि बने हैं ज्ञान लेकर के, तो ज्ञान में तैरने वाले पार जावेंगे, डूबने की तो बात ही नहीं। और शरीर छोड़ा है वो अस्थि मार्ग में किसी आत्मा के अंदर पार कर जाएंगी या एडवांस की आत्मा? जो भी आत्माएं ब्रह्मा को फॉलो करने वाली है वो ब्रह्मा जैसी गति पावेंगी या कोई दूसरे प्रकार की गति पावेंगी? ब्रह्मा जैसी। दादी ब्रह्मा को फॉलो करने वाली थी या बाप के पार्ट को पहचानने वाली थी? ब्रह्मा को फॉलो करने वाली थी। तो जिसको फॉलो करेंगे वो याद आवेगा तो ब्रह्मा की गति को पावेंगे। ब्रह्मा जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में प्रवेश करके पाठ बजाता है, ऐसे दादो जो भी अपने ग्रुप की जो भी आत्माएं हैं उनमें ही प्रवेश करके पाठ बजाना है। बाबा जी को ऐसा पॉइंट है ना कि लक्ष्मी 2008 में आने जाती है देश में सकती। पॉइंट कोई ऐसा नहीं है मुरली में, नहीं ऐसा बोला है बाबा, लेकिन समझने की बात है। लेकिन एक बात ये भी तो बाबा ने मिसाल दिया है ना, पपीते के पेड़ वाला तो 2 किलोमीटर के अंदर अगर पपीते का माधव रस है तो बाघ दूषण सीख लेगी। तो ऐसी ही कोई चेतन आत्मा है क्योंकि न उस संगठन में आएगी, न उसको देखेगी, न मिली वगैरह गर्भ को धारण करेगी, तो ये कैसे साबित होगा? शरीर की स्थूल शक्ति ज्यादा काम करती है या मन के वाइब्रेशन ज्यादा काम कर सकते हैं? मन ज्यादा सूक्ष्म है या शरीर ज्यादा सूक्ष्म है? जो जितना ही सूक्ष्म होता है उसमें उतनी ही जास्ती ताकत होती है। जैसे एटम बम बनाए हैं, एटम कितना सूक्ष्म होता है और उससे सारी दुनिया का ध्वंस हो जाता है, ऐसे ही आत्मा अति सूक्ष्म है और देह स्थूल है। स्थूल देह में बंधी हुई दादी की आत्मा या ब्रह्मा की आत्मा या मनमोहनी दादी की आत्मा इतना कार्य नहीं कर सकती थी। स्थूल शरीर के बंधन से छूटने के बाद जब सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया तो उसमें ताकत जास्ती हो जाती है। तो ऐसे यहाँ भी है। तो लेकिन बाबा ये तो राणा से 2008 में बेचने की शक्ति आ रही थी, क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? तो फिर वो पपीते के प्रश्न वाला हो। अरे वो बात अलग, ये बात अलग कि 2008 में ही क्यों आवेगी, पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं, तो हिसाब बता दिया। ब्रह्मा को 14-16 साल लगे प्रत्यक्ष होने में, ब्रह्मा की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14-16 साल तक लग गए। तब कहीं माउंट आबू में आकर के दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रखा गया तो प्रत्यक्ष हुआ कि यहाँ ब्रह्मा भी कोई है और ब्रह्मा कुमारियां भी कोई है। ऐसे ही दूसरी मूर्ति शंकर को प्रत्यक्ष होने में भी 7-8 साल लग गए।
तब कहीं प्रत्यक्ष होता है कि बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बनाया गया। ऐसे ही तीसरी मूर्ति है, ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ जाती है, जितनी बढ़ती जाती है उतना टाइम कम लगता है तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में, और आधा समय। पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16 साल, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 8 साल, तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 4 साल। एडवांस ज्ञान सुनाना शुरू कर दे। नहीं, वैष्णवी मानक बहुत अच्छा ज्ञान सुनाएगी बाप का, लेकिन एडवांस में आए बगैर ज्ञान सुनाएगी नहीं, वो सुनने सुनाने वाली नहीं है और समझने समझाने वाली शक्ति नहीं है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली शक्ति है। 3 पार्टियां हैं एडवांस पार्टी में, एक इंस्पिरेटिंग पार्टी, ब्रह्मा सरस्वती विश्व किशोर भाऊ मनमोहनी दादी कुमारका दादी, जो अपने अपने ग्रुप में उमंग उत्साह बढ़ाने का पार्ट बजाती है प्रवेश करके, और दूसरी वो है जिनमें प्रवेश किया जाता है, वो है प्लानिंग पार्टी, जो ज्ञान के आधार पर प्लानिंग बना रही है नई दुनिया की, और तीसरी वो पार्टी है न प्लानिंग बनाने वालों में से है न उमंग उत्साह भरने वालों में से है, प्रैक्टिकल काम करने वालों में से। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो मकान का मालिक इंजीनियर को उमंग उत्साह देता है, प्लानिंग बनाओ, मकान की नक्शा बनाओ, तो वो बनाता है। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है कि सीता जी अग्नि में समानी थी, ये भी वो अग्नि फूल अग्नि नहीं थी, योग अग्नि थी, योग अग्नि में आत्मा पवित्र बनती है। जो पवित्र चीज होती है वो अग्नि में जलती नहीं है, किचड़ा जलता है या सच्चा सोना जलता है, किचड़ा जलता है, सच्चा सोना कभी जलता नहीं है। तो ऐसे ही जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं वो योग अग्नि में निखरती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं संसार के सामने। और हमारी वाणी में बोला जैसे सर 76 में ड्रामा रिपीट हुआ था, दूसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता के टाइम पे, मूर्ति की प्रत्यक्षता के टाइम पे ऐसे ड्रामा रिपीट होगा बाबा। दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो कौन सी आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष हुई? पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो कौन सी आत्माओं ने पहले पहचाना? पहली मूर्ति ब्रह्मा, ब्रह्मा माने ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा को चंद्रवंशी पहले पहचानेंगे या दूसरे वंश के पहले पहचानेंगे? घर में बच्चा पैदा होता है तो पहले पहचान किनको होती है, बाहर वालों को या अंदर वालों को, परिवार वालों को? परिवार वालों को होती है। ऐसे ही त्रिनेत्री शंकर के रूप में जब शिव प्रत्यक्ष होते हैं तो उस त्रिनेत्री की पहचान तीसरा नेत्र धारण करने वाले ज्ञानवंशियों को, सूर्यवंशियों को पहले पहचान होती है या चंद्रवंशियों को होती है? सूर्यवंशियों को पहले पहचान होती है। ऐसे ही जो विष्णु का पार्ट प्रत्यक्ष होगा तो विष्णु देवता प्योरिटी में अव्वल नंबर में माना जाता है, वैष्णव संप्रदाय की पवित्रता बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो जो पवित्र आत्माएं होंगी जन्म जन्मांतर की, जिन्होंने पवित्रता के नाम पर जौहर कर दिए, शरीर को भी आग में भस्म कर दिया ताकि विदेशियों और मुसलमानों के हाथ भी न लगने पाए, ऐसी पवित्रता को धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, उनको पहचानने वाले भी कैसे होंगे?
है, जो जन्म जन्मांतर के पवित्र होंगे, जन्म जन्मांतर की रानियों का पार्ट बजाने वाले होंगे, वो उनको पहले पहचानेंगे, दूसरे वंश वाले बाद में पहचानेंगे। विष्णु के पार्ट को मतलब पहले पहले पहचानना क्या विजय माला की मुखिया कहते थे, विजय माले वाले ही पहले पहचानेंगे, रुद्रमाला को रुद्रमाला वाले पहले पहचानेंगे, भक्तमाला को भक्ति माला माला वाले पहले पहचानेंगे। बाबा जैसे कांड हुआ था जिस समय तो दिल्ली में सब लोगों को गले में टायर डाल के, तो उस समय हमारे घर की दुकानें भी लूट रही थी, तो हमने कहा यदि हम लोगों को इन्होंने कुछ किया तो पहले तो हम इनको मारेंगे, पहले छेड़ेंगे नहीं, अगर तो इन्होंने हमको कुछ किया तो हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं, सामना करेंगे, और यदि हमारे पे जान पे आई तो हम अपने आप मर जाएंगे, ऐसा हमने संकल्प किया था। और अकेले में पूरे घर में दौड़ रही थी कि तुम लोग शांत हो जाओ, खाना वाना बना के दिया सबको खिलाया, और हमारी मौसी के साथ दो लड़के खत्म हो गए थे, उनके एक बहू, ऐसे तीन बच्चे उनके खत्म हो गए थे, तो उस समय हमारे मन में यही आया कि भगवान को याद करो और उसकी याद में बनाओ और खिलाओ, तो ये कैसा मतलब ये पहले का ही मतलब आत्मा में जो रील भरी है कांड में आवाज के अनुसार, सभी बोलते थे कि घर में ये नहीं होती तो घर में लोग कितने, घर के लोग ऐसे ही खत्म हो जाते। जहाँ बुद्धि में भगवान का आसरा होता है तो दूसरों को मारने की बात आ सकती है? नहीं, ये कहा था कि अगर मतलब कुछ उन्होंने किया, अगर हो या मगर हो, भगवान जब हमारा रक्षक है तो दूसरे को मारने की बात बुद्धि में आ ही नहीं सकती। और बाबा जैसे आत्मा इतने अपना पाप है, जैसे अब वो रानियों ने जोर करा तो उन्हें पाप नहीं लगा, लक्ष्य देखा जाता है, कोई काम किया जाता है उसकी भावना देखी जाती है, भावना क्या है, लक्ष्य क्या है, जौहर किया वो आत्मा को दुख देने के लिए किया या भारतवर्ष की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किया? भारत की पवित्रता की पावर अक्षुण्ण बनी रहे, भारतीय राजाओं की जो प्योरिटी से यूनिटी बनने वाला वातावरण है वो बना रहे, इसलिए किया, अपने को दुख देने के लिए थोड़े किया, उन्हें तो अब खुशी थी इस बात की कि पवित्रता के लिए हमारी जान भी चली जाए, जैसे लड़ाई लड़ने वाले होते हैं युद्ध के मैदान में उमंग उत्साह में देश की रक्षा करते हैं या ऐसे ही कर लेते हैं, उमंग उत्साह रहता है तो अंत मते तो गति हो जाती है। पति की याद में शरीर छोड़ती है तो फिर उसी पति के साथ मिलती है, बाबा यही भाव था उस समय, तो जन्म जन्मांतर की पवित्रता जिनके अंदर होगी उनके ही से विचार होंगे। कोई होते हैं जो हंसते हंसते शरीर छोड़ते हैं, उनके चेहरे पे चिकन भी नहीं आती है, तो उनको दुखी जन्म मिलेगा, या जो दुखमय स्टेज में शरीर छोड़ते हैं उनको दुखमय जन्म मिलेगा, ये स्टेज की बात है। हाँ। पहले बाबा बोलते थे कि 16,000 की माला में आने से बड़ी आप त्रिजा में अपनी इज्जत को आना रखते हैं, अभी भी तो बोले 16,000 की माला में दास दासी बनने से तो अच्छा ये है कि प्रजा में जाकर के साहूकार बने। आज की मूल्य में 108 का बोला, कहीं रिफाइन चेंजिंग तो नहीं हुआ? कौन सा चेंज हुआ? अभी 108 का बोला बाबा ने पढ़ा। क्या 108 बोला? आज बोला 108 की माला में आने से बढ़िया। 108 नहीं, 16,108। करेक्शन नहीं है, 16,108 की माला में आने, 108 तो राजाएं हैं, उसमें आना तो अच्छी बात है। 108 की माला वो तो शिव की माला है,
खान पान हाँ भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर चाप जहाज, स्टीमर माने जहाज। सिख लोग कहते हैं नानक चाप जहाज। चाप कहते हैं शरीर को। जिस शरीर रूपी चाप का या जहाज का आधार लिया, आधार लेने के बाद और फिर जो उतर जाए तो डूबेगा या जिंदा रहेगा? डूबेगा। तो ये यहाँ की बात है। हाथ क्यों निकलते हैं? जो बचते हैं वो इस सृष्टि पर कितने बचेंगे? 16.5 लाख बचेंगे और डूब नहीं मरेंगे सब। हाँ थोड़ा थोड़ा जितना नंबर वार तो सभी हैं। आठ में भी नंबर वार होते हैं। विष्णु कोई मूर्ति नहीं है, चार आत्मा को काम मिले। विष्णु माने क्या बताया? हाँ, चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल। तो स्वभाव संस्कार के मेल करने में कौन सी शक्ति सबसे ज्यादा काम करती है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो स्वभाव संस्कार को मिलाने में सबसे ज्यादा काम करती है? हैं? नहीं, हम शक्ति की बात पूछ रहे हैं। आठ शक्तियाँ दिखाई हैं। तो आठ शक्तियों में कौन सी ऐसी शक्ति है जो संस्कारों को मिलाने में सबसे ज्यादा आगे है? सहन शक्ति। और वो सहन शक्ति तीनों मूर्तियों में से किस मूर्ति में ज्यादा मानी जाती है? नहीं, तीनों मूर्तियों में सबसे ज्यादा सहन शक्ति उसका नाम नहीं है कि कोई ने ठोकर मारने वाली बात कह दी और हाथ फेल हो गया, उसे सहन शक्ति कहेंगे? सहन शक्ति उसको कहेंगे कोई ने कुछ भी किया और एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया और बाप की बातों पे विश्वास किया। तो जो चार आत्माएं हैं, चार भुजाओं के रूप में दिखाई गई है, ब्रह्मा के साथ सरस्वती, शंकर के साथ पार्वती, वो जो चार आत्माओं में कौन सी ऐसी आत्मा है जो सबसे जास्ती सहन शक्ति धारण करती है? बेसिक में भी सहन शक्ति धारण करती है और एडवांस में आने के बाद एडवांस में भी सबसे जास्ती सहन शक्ति धारण करती है? नहीं, ब्रह्मा बाबा तो बेसिक में ही शरीर छोड़ गए। कृष्ण की आत्मा के लिए तो शास्त्रों में भी दिखाया जाता है कि बहेलिए ने पांव में तीर मारा और मर गए। हाँ जी, जो पार्वती वाली आत्मा है वो पार लगाने वाली बनती ही तब है जब उसमें इतनी प्योरिटी की पावर है कि यूनिटी बनाई लेती है। सहन शक्ति के बाद सहन शक्ति सब गुणों का राजा माना जाता है। तो जो चार आत्माएं हैं जिनके स्वभाव संस्कार का मेल दिखाया जाता है, उनमें कोई आत्मा तो ऐसी होगी सबसे ज्यादा सहन शक्ति धारण करने वाली हो? जगदम्बा। जगदम्बा अगर सहन शक्ति धारण करने वाली हो फिर महाकाली का पार्ट क्यों हो जाएगी? हाँ, 33 साल है। 33 साल? हाँ जी,
ठीक है मूर्ति आने वाली है उसका पाठ शुरू होना है। अच्छा ब्रह्मा का पाठ चल रहा है कि नहीं अभी है? ब्रह्मा का पाठ देखा जाए तो एक मूर्ति ने पूरी कर चुकी है, एक मूर्ति को पूरे कर चुकी है ब्रह्मा का पाठ। अरे ब्रह्मा का पाठ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। उसको विराट के हिसाब से देखा जाए तो तीस साल में ब्रह्मा का पाठ खुले हुआ, तीस छत्तीस साल दूसरी मूर्ति का, वो तीस छत्तीस साल तीसरी मूर्ति का लग जाएंगे। लेकिन अभी जैसे शास्त्रों को अपन डेली करें तो भागीरथ ने तपस्या करी, गंगा तो शंकर की जटाओं में समा गई, और जबकि शंकर की प्रश्नार्थी का पाठ पूरा हो गया और गंगा अभी तक निकली नहीं, तो इसका बेहद में कैसे टैली करेंगे? गंगा के लिए मुरली में तो बोला है गंगयान गंगाएं निकली ही, अंत में तो बीच में कैसे निकल पड़ेंगे? अंत में तो शंकर की प्रश्नार्थी का 2006 तक फाइनल पार्ट था, वो पूरा हो चुका है, तो अब फिर किस प्रश्नार्थी के लिए अपन इसको लागू करेंगे? विष्णु की प्रश्नार्थी के लिए, विष्णु में तो राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा और उनकी सहयोगिनी शक्तियों, चारों आत्माएं मौजूद है। बाबा ये दो मूर्ति फ्रंटमैन तो होना चाहिए, एक तो क्या बोलते हैं तपस्या करने वाली मूर्ति भागीरथ और एक शंकर, दो पर्सनालिटी होना चाहिए ना ब्राह्मणों के बीच में। भागीरथ ने तो तपस्या करी गंगा, शंकर की जटाओं में समा गई। भागीरथ किसे कहा जाए? भाग्यशाली रथ किसको कहा जाए? राम की आत्मा। तो सुप्रीम सोल किस में प्रवेश करता है आदि से लेकर अंत तक? प्रजापिता की पर्सनालिटी ब्राह्मणों के बीच में होनी चाहिए। प्रजापिता के बच्चे होंगे तो उनको दिखाई पड़ेगी, बच्चे नहीं होंगे तो दिखाई कहाँ से पड़ेगी? बाबा को प्रजापिता नहीं कह सकते हैं? बाबा को तो प्रजापिता नहीं कहा जा सकता। शंकर को प्रजापिता नहीं कहा जाता? शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहा जा सकता। हाँ, और शिव को भी प्रजापिता नहीं कहा जाता है, किन्तु प्रजापिता होता है पतित प्रजा का पिता, प्रजापतित है तो पिता भी पतित है। जब सारी प्रजा पावन बनती है तो अंत में पिता भी पावन बनता है, उसको कोई मरते हुए देखेगा ही नहीं, वो सब बच्चों का उद्धार करने के बाद फिर अंत में वापस आएगा, तब तक सब आत्माएं सूक्ष्म वतन में रुकी रहेंगी। बाबा ने मुरली में कहा मनुष्य आत्मा का पिता प्रजापिता है, तो बाबा तो आत्मा का पिता है, ये तो दो पर्सनालिटी अलग अलग हो जाती। पर्सनालिटी कहाँ हो गई, तुम पर्सनालिटी नहीं जानते? पर्सन कहते हैं व्यक्ति को, तो बाबा ने मुरली में पर्सन कहते हैं व्यक्ति को, जो व्यक्त हो उसको कहते हैं पर्सन, और जो अव्यक्त हो आँखों से दिखाई न पड़े उसको पर्सन नहीं कहेंगे। शिव पर्सनालिटी नहीं है, वो कोई पर्सन नहीं है, वो आत्मा है। आत्मा दिखाई पड़ती है क्या? नहीं, वो तो अव्यक्त चीज है, लेकिन जब साकार में प्रवेश करता है तो पर्सनालिटी बन जाती है। वो शिव की भी पर्सनालिटी है, राम वाली आत्मा की भी पर्सनालिटी है, और चंद्रमा के रूप में प्रवेश करने वाले कृष्ण की भी वो ही पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी एक और आत्माएं नहीं, आत्माएं तीन। बाबा भी बाबा ने बोला है कि बिंदी अलग है और साकार और निराकार का मेल अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साकार है वो साकार राम की आत्मा को साकार समझ लिया वो तो नहीं है। साकार माने जिस तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, और जिसने प्रवेश किया हम उसको देखते हैं, हम राम की आत्मा को नहीं देखते। हम किसको देखते हैं? हम राम को बाबा समझते हैं या शिव को बाबा समझते हैं? हम शिव को बाबा समझते हैं। ये भूल ब्रह्मा कुमारियों में भी हुई, इसलिए भक्ति मार्ग कहते हैं राम के बंदे और हाँ कृष्ण के बंदे, ये दोनों आँखों के अंधे। अरे राम की और कृष्ण की आत्माओं को तो हम भूल ही जाएं, हमको एक को याद करना है या तीन को याद करना है? एक को, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसे नहीं एक राम बाबा एक कृष्ण बाबा दूसरा न कोई। है तो दोनों बुद्धि भ्रष्ट करने वाली रहे। बाबा अभी बाबा बोला कोई ना पूछना चाह रहा था बाबा, ये लुका छुपी का खेल से कब तक चलता रहेगा? काहे का लुका छुपी, तो तुम्हारे लिए लुका छुपी का खेल होगा।
अभी अभी 2000 में अदत्त वाणी बोल दिया, दुनिया वालों के लिए बाप गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए, तो किन के लिए लुका छुपी है? दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों की लिस्ट में हो तुम। कौन सा बचपन में बाप के? हाँ, बाबा ने कहा है नहीं, जैसे त्रिमूर्ति को चित्र रखना रांग है, त्रिमूर्ति का चित्र रखना रांग इसलिए है कि तीन चित्रों को याद करोगे तो उन तीन चित्रों की जो पर्सनालिटी है और जो उनका व्यवहार है, जो उनके अंदर खासियत है, वो तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। तो अभी तो ये बोलते थे त्रिमूर्ति किस चित्र के आगे बैठे हो रहे हैं विचार सागर, वो विचार सागर मंथन करने के लिए, याद करने के लिए नहीं। अब तो मना ही कर दिया। विचार सागर मंथन अलग बात है और याद करना अलग बात है। याद करने के हिसाब से तो ब्रह्मा का चित्र रखने के लिए भी मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? वो इसलिए शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा भवन। शरीर नहीं छोड़ दिया तब नहीं कहते थे? तब भी तो कहते थे कि इस ब्रह्मा के चित्र को नहीं रखना है, क्योंकि जानते थे। हैं? हाँ, फादर का दो रूप में पार्ट है। फादर हमारा शिव है या फादर हमारा राम है? फादर हमारा शिव नहीं, हमारा पहले तो पक्का ये करो फादर कौन है? फादर राम है या कृष्ण है या शिव है? हमारी बुद्धि में कौन सा फादर बैठा हुआ है? एक आदमी जिसका प्रश्न है उसको समाधान होने दे। हाँ, आत्माओं का फादर हमारी बुद्धि में है, वो ही ऊंचे से ऊंचे है। तो जो आत्माओं का फादर है वो दो रूप में पार्ट बजाता है, एक तो माँ के रूप में, उसको कहते हैं तमेव माता। ब्रह्मा और कृष्ण की सोल ने 63 जन्म में वो माता का पार्ट नहीं बजाया, इतना सहन शक्ति का पार्ट 63 जन्म में नहीं बजाया। उस समय वो माँ नहीं था। माँ कब बना? जब शिव ने प्रवेश किया। तो वो माँ है, फॉलो मदर बाद में, पहले क्या फॉलो फादर। तो माँ की बात अलग, और वो ही माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जब डायरेक्ट फादर के रूप में पार्ट बजाती है तो फादर कहा जाता है। उसमें भी दो बातें हैं, साकार रूप में जो पार्ट बजाया उसको फॉलो करना है कर्म इंद्रियों के रूप में, और निराकार रूप में जो पार्ट बज रहा है या आकारी शंकर के रूप में जो पार्ट बज रहा है उसको फॉलो करने की बात नहीं है, उसको डायरेक्शन को मानने की बात है। एक होता है डायरेक्शन से फॉलो करना और एक होता है कर्मों में फॉलो करना। तो ब्रह्मा के रूप में जो बाप ने पार्ट बजाया उसको कर्मों में फॉलो करना है, और जो सदगुरु के रूप में पार्ट चलता है उसके आर्डर को फॉलो करना है, कर्मों को फॉलो नहीं करना। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गुरु के जो कर्म होते हैं उन कर्मों को फॉलो नहीं करना है, वो कर्म नहीं करना है जो गुरु कर्म करता है। क्या करना है? जो गुरु कहे वो करना है। बाबा शंकर को बोला है कि शंकर तो हमारे नाथ है, फिर ऐसा क्यों बोला बाबा कि उसको कोई मरते हुए नहीं देख सकता है? अमरनाथ है तो अमरनाथ का मतलब क्या हुआ? आ माने नहीं, मर माने मर, जो न मरे तो अमर। तो फिर ऐसा क्यों बोला? तो उसको कोई मरते हुए देखता ही नहीं तो कैसे कहेंगे तो हमारे कि अमरनाथ है? तो अमरनाथ वो तो अमरनाथ ही है, अमरनाथ है वो। उसको कोई मरते हुए देखा ही नहीं तो मर कहेंगे या अमर कहेंगे? अमरनाथ, अमर कहेंगे। वो ऐसा पॉइंट क्यों बोला कि मरते? इसीलिए बोला है कि संगम युग में कोई एक ही आत्मा ऐसा पार्ट बजाती है जो अनिश्चय बुद्धि होके मरती नहीं है, बाप के ऊपर आदि से लेकर के अंत तक उसको निश्चय अटल रहता है, इसलिए अमरनाथ है। और बाकी सबको आज निश्चय है, आज लिखेंगे हमारा बाप है और कल अनिश्चय हो, कल अनिश्चय हो जाता है। ब्रह्म मुरली में बोला तो बाबा मुरली में बोला कि भले ये कमरा हो भाई, मैं किचन हो भाई, मैं खाना बनाओ भाई, मैं सब मुरली क्लास लगाओ,
तो कर सकते हैं। हाँ। नहीं तो पूछ रहा है बाबा, पूछने की क्या बात, नहीं तो खोल ले इसमें पूछने की बात नहीं है, छोटा कम रहा है खोल ले इसमें पूछने की बात नहीं है, इसमें ये लाइटा की बात है कि गीता पाठशाला खोलने के बाद अगर समझने वाले कोई जिज्ञासु आ जाते हैं तो हम उनके प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। आप ही करोगे समाधान, आप ही गीता पाठशाला खोलो, आप चला रहे हैं उसे। जो बेसिक वाले है ना वो यानी कि एडवांस ज्ञान लेने के बाद और भी पावरफुल हो जाएंगे, और 2036 तक यानी दोनों मिलेंगे, 2036 तक ही दोनों मिलेंगे डीके वाले। डीके माना भक्ति, नहीं जो मानता वो डीके माने भगत, भगत माने जो सुनते हैं और सुनाते हैं, क्या मुरली सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे और समझेंगे और समझाएंगे नहीं, मुरली के जो भी महावाक्य सुनेंगे और सुन करके वो महावाक्य दूसरों को सुनाएंगे लेकिन उनका अर्थ अर्थ नहीं जानते, तो वो है भगत। जैसे भक्ति मार्ग में शास्त्रों में शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण पढ़ेंगे सुबह से लेकर शाम तक, गीता पढ़ेंगे लेकिन पढ़ते ही चले जाते हैं उसका अर्थ नहीं समझते, अगड़म बगड़म अर्थ, भगवान सर्वव्यापी है अर्थ ये निकाल दिया, तो ये भक्ति हुई या ज्ञान हुआ, भक्ति ये तो भक्ति हो गई। बाबा जैसे अभी ये रक्षाबंधन में कितने सारे गुजरियां बोलते हैं, ये क्या है, सब भक्ति है, भक्ति के लिए फिर वो घर घर फिरते हैं आने के मेहरबानी करो और बस वही कर्म करेंगे, उसी दिन बस मिलेंगे बाद में फिर वही करेंगे, तो अपन 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 भाई अपन कर रहे अपन तो नहीं कर रहे, जो भक्ति में जो भी कर्म होते हैं वो भक्ति के कर्मों का कारण क्या है, अगर कारण नहीं जानते तो करना बेकार है। ज्ञान में हम जो कर्म करते हैं हम जानते हैं कि ये कर्म क्यों करते हैं, जान के पहचान के तब कर्म करते हैं। उनसे पूछते ये क्यों करते हैं, बोलते परंपरा चली आ रही है। लेकिन बाबा ये तो ये आया है ना इनके वो जब तक 2036 तक अगर मिलेंगे नहीं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो मिल जाएंगे, जो दूसरे धर्म वाले हैं वो नहीं मिलेंगे, तो फिर वहाँ तपस्या भूमि में कैसे जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पहले रुद्रमाला में मिलेंगे या पहले आधार मूर्तों में मिलेंगे, बेसिक में मिलेंगे, पहले रुद्रमाला में मिलते हैं, मिलेंगे तब जब पहले सूर्यवंशी प्रत्यक्ष हो और सूर्यवंशियों के बाद फिर चंद्रवंशी प्रत्यक्ष हो, जब तक प्रत्यक्षता रूपी जन्म ही नहीं लिया है तो मिलने का सवाल कहाँ पैदा होता है। पर वो मानता हूँ खाली नहीं करेंगे तब क्या खाली बाबा जाए बाप जाए चिंता हो गया जमीन लेकर डाल दू मकान बना ले। वो तो भक्ति मार्ग में जैसे आज की सरकार में पार्टियां बोलती है, पार्टी वाले लोग बोलते हैं गद्दी खाली करो कि जनता आप ही है। ऐसे यहाँ गीत गाना शुरू कर दिया गद्दी खाली करो। अरे अपनी लाइन बड़ी बनाओ, उनकी लाइन खुद ही छोटी हो जाएगी। जब रिजल्ट निकलता है और माला के मणके पिरोए जाना शुरू होते हैं, पहला मणका जब पिरोया जाता है माला में तो जगन्नाथ का कोई सहयोगी बचता है? नहीं है? कोई नहीं, कोई नहीं सहयोगी बचता बाबा। हाँ तो पहला मणका तैयार हो गया, जो
अकेले की बात यह है, नष्ट हुआ स्मृति लब्धा, देह और देह के संबंधों से मोह नष्ट हो जाए, ये हमारे कोई अपने नहीं है। एक परमपिता परमात्मा के अलावा सब पराए हैं, ये बात बुद्धि में पक्की बैठती नहीं है, सब धोखेबाज हैं। बाप बाप नहीं रहेगा, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी अगर अभी भी नहीं है, धोखा देते बाबा, कब धोखा देने वाले। राम नाम सब पति है, राम नाम सब है, पति है अभी, पति है अभी भी नहीं है, मतलब आपने बोला अभी। ज्ञान में जो चलते हैं, ज्ञान में चलते हैं उस समय तो ये पक्का हो जाने जब चाहिए कि हम आत्मा आत्मा भाई 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 है, पत्नी यत्नी का सवाल ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। किलात होती है अगर, तो बच्चे का आगल है उनको समान है, शादी कर दी बच्चे की अगर, अगर आत्मा आती है तो करें क्या नहीं, पर्दा डाल लो, हाँ पाठशाला, बच्चों की शादी कर दी, गीता पाठशाला खत्म, अलग अलग है, अलग माना गीता है उसे, गीता एक कोठागल है, छुपा के रखे हुए हैं, कोठागल है हाँ, और अगल किलास हो रही है, शिव बाबा का मंदिर है वो शिवालय कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है देवालय कहा जाता है, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कोई वैश्या बैठ जाए और अपना धंधा शुरू कर दे तो लोग मानेंगे मंदिर को, किलास बंद कर देना, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, या तो बच्चों से जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा गेट आउट, ऐसे बच्चों को अलग कर दो, उसी में मंदिर बनाओ लक्ष्मी नारायण का, दूसरों को लक्ष्य दो, नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, और उसी में गंध चलता रहे तो फिर मंदिर बनेगा, वो तो अलग है ना, क्या अलग है, पाठशाला दीवान पड़ी हुई है, तो बीच में, बीच में आने जाने का रास्ता है ना, फिर तो खत्म हो गई, अब कहीं रखो जो तो तुम्हारी रखने की बात है, सीधी सी बात, ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को अलग कर दिया, तुम्हें गंध खाना है तो बाहर की दुनिया में जाओ, हमारे से कोई कनेक्शन नहीं, तो हमारे बच्चे नहीं, हम तुम्हारे बाप नहीं है, भारत में वर्ल्ड का गीता है हाँ, इसका भी क्या कुछ चैतन्य भारत के साथ कोई कनेक्शन है वर्तमान के, अरे जो कप गप ठीक देखते रहते हैं टीवी में बोल पूछेंगे, टीवी देखते हैं बाबा, कहते हैं ना सारी घटनाओं का कुछ न कुछ बेहद से संबंध है हाँ, तो क्या इसका भी कुछ संबंध है, माना दुनिया में जो बातें हो रही हैं उन्हीं में बुद्धि रमी रहे, शिव बाबा को अलग से याद करने की दरकार नहीं, बाबा तो याद रहता ही है, बाबा इसका कुछ संबंध है, रहा याद ऐसे हाँ। 2004 में बाहर बोला कि 2004 में शंकर का पाठ क्लियर हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो क्लियर हो गया माने खत्म हो गया, तो कैसे बाबा का पाठ खत्म हो गया ऐसा बोला बाड़ी में, ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया, नहीं नहीं, जब ब्रह्मा का ही पाठ नहीं खत्म हो गया, अब फिर बोला ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक अनुदा हुआ है, जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हुई है ब्रह्मा का पाठ खलास नहीं हो सकता, तो ब्रह्मा पहली मूर्ति का ही पाठ खत्म नहीं हुआ तो संकल्प कैसे खत्म हो जाए, फिर ऐसा बाणी में क्यों बोला, बाणी में तो आज भी बोल दिया तुम शंकर को खत्म नहीं करो, शंकर को तुम खत्म करोगे तो शंकर तुमको खत्म कर देगा, वेद का अर्थ ये है कि शंकर का पाठ कुछ समय का है वाणी, और वाणी के आधार पर वाइब्रेशन बनाने का,
जब वाइब्रेशन तैयार हो जाता है, वाइब्रेशन की पावर तैयार हो जाएगी तो बोल बोल का पार्ट खत्म हो जाता है, बाकी ऐसे नहीं शंकर खत्म हो जाता है या ब्रह्मा खत्म हो जाता है। हाँ, पार्ट जो है वो अलग अलग टाइम पर रोधे हुए हैं। जब ब्रह्मा का पार्ट है तो विष्णु और शंकर का पार्ट नहीं, जब शंकर का पार्ट है तो प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्मा और विष्णु नहीं, और जब विष्णु का पार्ट है तो चारों आत्मा ही। क्यों गीता पाठशाला खत्म हुई? खत्म हुई, दूसरी गीता पाठशाला बन जाती कहाँ बना? जिनके अंदर वो ज्ञान में चलने की पावर और मुकाबला करने की पावर होगी वो चलाएंगे। बता तो दिया, अगर तुम्हारी रचना तुम्हारी कंट्रोल में नहीं हो तो उसको अलग करो। अलग करें और क्या, नहीं तो दूसरों को गीता पाठशाला खोल लेना, दूसरी जगह और दूसरे की गीता पाठशाला खोल के बैठे हैं। अच्छा। जो नीच नियमों पर चल पाए दूसरे खोल लें और क्या, दूसरे लोग खोलेंगे। खोले फोन की कह दो खोलो, आपके कहने की बात थोड़ी ही है, जिनको खोलना होगा वो अपने आप ही खोल लेंगे। और पूरे हो जाएंगे संत में आए थे और पूरे हो जाएंगे, संत में क्या पूरा हो जाएगा, संत पूरे हो जाएंगे बाबा को आए थे। हाँ जी, बाबा को अपना तो हो चुके ही ना। हाँ हाँ हाँ, फिर ये बहन बोली ना कि संकल्पित में मिलेंगे आप वाली और लोग पहले ही मिलने से सब तो सपना होगी, दोनों विजयमाला और रूप वाला मिलन होगा। अरे 4.5 लाख हैं जन्म देने वाले और 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाले, तो जन्म देने वाले पहले पावरफुल बनेंगे या जन्म लेने वाले पावरफुल बनेंगे? बनेंगे जन्म देने वाले पावरफुल बन जाएंगे तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जन्म लेने वालों को, जन्म लेने वालों को जब शरीर ही छूट गया तो उनको कौन पूछेगा दुनिया में? जन्म होने से वो इकट्ठे हो जाते हैं क्या? जन्म होगा तो 4.5 लाख के बीच में परिवार में होगा या छोटा सा परिवार होगा? गीता पाठशालाओं में भी धारणाएं अलग अलग तरीके की है, सबकी एक जैसी धारणा थोड़ा ही है। सब इकट्ठे ही जाएंगे लेकिन फिर भी लाइन होगी, जैसे बारातियों की लाइन होती है तो ये भी लाइन होगी। इकट्ठे का मतलब ये नहीं कि एक सेकंड में सब इकट्ठे हो जाएंगे, नंबर वार जाएंगे और नंबर वार इस सस्ती पर आएंगे। बाबा ने बोला है कि एक ट्रेन चलेगी उस समय, तो कराची में जब खून की नदियां बही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, तो जिनको जाना था वो एक ही ट्रेन में चले गए या 2-4 ट्रेनें मिलती रही लगातार एक ही में? जैसे पहले हुआ आज में हुआ वैसे अंत में होगा। करण कराम आप ही हो, अब हम तो कुछ के ही नहीं करेंगे, चुरी हुआ तुम अकर्ता हो। कुछ भगवान जो करण करावन हार कहा जाता है वो कोई जादूगरी करता है क्या? नहीं, अंधश्रद्धा फैलाने वाली जादूगरी तो नहीं करता है। हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो कुछ करेंगे। याद तो कर सकते हो, तो शंकर याद के बल से विष्णु की बात सही ले लेता है तो आप भी ले लो। बाबा जिन्होंने सबसे बड़ा जय
ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है, और बृहस्पति की दशा अच्छी मानी जाती है। बृहस्पति की दशा अच्छी मानी जाती है। हाँ जी, जो बृहस्पति की दशा अच्छी है तो फिर ग्रह तो रतन में है, ग्रह वो रतन की साइड संख्या मिलेगी इनको, तो अष्टदेवों में है या बृहस्पति या नहीं है? जब है ही बृहस्पति माना वृक्षपति, और वृक्षपति तो बीज ही होता है, जो सारी सृष्टि का बीज होगा, सारी सृष्टि का बाप होगा, तो मुखिया ही होगा ना। नहीं बाबा, मुखिया तो है लेकिन फिर ग्रह रतन में उसमें वो मिल रहा है, जितने भी ग्रह है वो रतन की श्रेणी में आ रहा है, रतन का टाइटल मिल रहा है उन ग्रहों को, तो फिर ये क्या है? क्या है भाई, इनको रतन का टाइटल दिया जा रहा है, जैसे सूर्यवंशी जो है अष्टदेव, सूर्यवंशी के अष्टदेव, अष्टदेव अलग है और रतन अलग है, जो अष्टदेव है वो सब सूर्यवंशी है, जो सूर्यवंशी होते हैं वो सब हीरो पार्टधारी है। जिसमें बृहस्पति की पर्सनालिटी भी सूर्यवंशी है क्या? वो सारे ही सूर्यवंशी हैं, आठ देवता, देवता का ही उनको जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, जिनके पूरी 16 कला संपूर्ण होती है। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो हैं, वो सूर्यवंशी नहीं है। जो बृहस्पति की पर्सनालिटी अष्टदेवों में है या अष्टरत्नों में, मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। आठों देवों की पर्सनालिटी अकेले बृहस्पति को छोड़ो, आठों देवताओं की पर्सनालिटी अष्टदेव में है। तो बृहस्पति तो रतन की संख्या में जाएगी, रतन का बृहस्पति भी रतन है, और जो आठवां देवता है वो भी हीरा रतन है, वो सब हीरे ही हीरे हैं, कमजोर रतन नहीं है। नहीं, अष्टदेव होते हैं सूर्यवंश से, और दूसरे दूसरे वंशों के जो 12 के ग्रुप हैं उनके मुखिया हैं रतन, जिनकी जिनकी वैल्यू कम होती जाएगी। अष्टदेव अष्टरत्नों में प्रवेश करेंगे, जो ताकतवर होगा वो तो प्रवेश करेगा ही। तो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी के अष्टदेव और अष्टरत्न कौन है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी में अष्टदेव अष्टरत्न होने चाहिए दोनों। तो हर एक धर्म की अपनी अपनी माला होती है, इसमें नई बात क्या है? ऐसा कोई धर्म है जो माला न घुमाता हो? हर धर्म में माला की मान्यता है। जैसे कि बाबा बृहस्पति देव को सब उसका हेड वक्त बता रहे हैं, सबका मुखिया बता रहे हैं, तो बृहस्पति तो वो है ग्रह है, और ग्रह रतन रतन है, ग्रह रतन है, ग्रह को रतन का टाइटल मिला है। रतन जो होते हैं नंबरवार कम वैल्यू वाले होते हैं, 9 रतन, उनमें एक रतन वैल्यू लेस भी होता है, लेकिन जो हीरे होते हैं वो सब मोस्ट वैल्यूबल होते हैं, उन हीरो में गिनती है अष्टदेवों की, वो सबके पूर्वज हैं। रतन तो धार्मिक भाव का होते हैं ना? तो एक ग्रह बृहस्पति भी है उसमें है? एक ग्रह बृहस्पति भी है सबसे बड़ा है? तो ये रत्नों का हेड है या देवों का हेड है बृहस्पति? जो हीरे हीरे हैं उन हीरो का हेड नहीं है। अरे कोई माणिक है, कोई पन्ना है, कोई मूंगा है, तो अपने अपने ग्रुप के हेड है रतन, और बृहस्पति भी है, वो सूर्यवंश का हेड है, वो भी रतन है ना बृहस्पति? जब रतन के रूप में पार्ट बजाता है तो रतन है, हीरा है, हीरो पार्ट धारी है, तो उसको दोनों में टाइटल मिल जाएगा, देवों में भी और रतन में भी। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। बीज में क्या नहीं समाया हुआ है? झाड़ का 500 करोड़वां पत्ता और उसका स्वभाव संस्कार बीज में समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? समाया हुआ है। और रावण बनता है, तो कैसे हुआ? सबसे जास्ती पतित कौन बनता है और सबसे जास्ती पावन कौन बनता है?
राम बन सबसे ज्यादा पतित कौन बनता है? रावण। जो राम जब सबसे ज्यादा पतित बनता है तो रावण भी बनता होगा। कृष्ण कंस बनता है और राम रावण बनता है। सत्व प्रधान होता है तो राम और कृष्ण बनता है और तमो प्रधान बनता है तो रावण और कंस बनता है। बाबा ये संगम युग की याद आ रहा है। संगम युग में ही जब तामसी शूटिंग होती है तब राम रावण बनता है कृष्ण कंस बनता है। तेरी दुनिया है तो बंदा अगर तेरी दुनिया है सुनार की भी तेरी दुनिया है तो कैसे बोला बाबा किस आधार पे बोला है? जो सुख की दुनिया है सतयुग त्रेता उस सतयुग और त्रेता की दुनिया में मुख्य पार्टधारी कौन है? राम वाली आत्मा। ऐसे ही जो पतित दुनिया बनती है उन पतितों के बीच में सबसे जास्ती पतित कौन बनेगा? राम वाली आत्मा। क्योंकि जो राजा का बच्चा होता है वो कुसंग में आता है तो ज्यादा पतित बनता है ज्यादा दुष्ट बनता है या प्रजावर्ग के बच्चे ज्यादा दुष्ट बनते हैं? जो राजा का बच्चा होगा वो दुष्ट भी दुष्ट संग में आकर के जाती दुष्ट बनेगा। तो 84 जन्म में तो पतित बनता है आखिरी जन्म में होती है अंत में ही रावण की दुनिया का हेड है। रावण की दुनिया तो बाबा द्वापर से शुरू हो जाती है। द्वापर से रावण की दुनिया नहीं शुरू हो जाती न रावण को जलाना शुरू हो जाता है। द्वापर में फिर भी सात्विकता होती है शास्त्र भी सच्चे होते हैं शास्त्रों के अर्थ भी सच्चे होते हैं। दस सिर वहाँ नहीं होते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पार्ट वहाँ नहीं होता। अहंकारियों का पार्ट रसिया में अंत में होता है या शुरुआत में होता है? द्वापर में अंत में होता है। माना कंप्लीट रावण कब कहेंगे? जब दस अवसर कंप्लीट हो जाए अपना पार्ट बजाने के लिए।